और इन्होंने कहा कि भाई साहब किसी भी कीमत पर आपको उत्तराखंड महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में अवश्य पहुंचना है। हमारे भाई चेतन सिंह बिष्ट जी और जो अनेक अनेक कार्यक्रमों में लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, बहुत सारे सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं, कम आयु में जिनको आज यहाँ संस्था के द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया है, हमारे भाई चंदन सिंह दयाल जी, श्री मनराल जी, गणेश जोशी जी, हमारे पुराने साथी श्री हरेंद्र सिंह देवड़ी जी समेत यहाँ सामने बैठे हुए हैं, हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी, संदीप साहिल जी, भंडारी जी समेत सभी, अब मैं सबका नाम लूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि आज कार्यक्रम में मुझे थोड़ा और पहले आप सबके बीच में आना था, लेकिन आज मैं आदमी योगी जी के पास चला गया और उनके साथ 2-3 घंटे का कार्यक्रम आज एक राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रवादी फिल्म तेजस आई है और उनका पहले से ही कार्यक्रम वहां पर था और उन्होंने मुझे भी आज कहा कि आप भी हमारे साथ बैठकर इस फिल्म को देखिए। मैं हालांकि बार बार उनसे कहता रहा कि मुझे कार्यक्रम में जाना है और कार्यक्रम में जाने से पहले आप सबसे भेंट करना है, लेकिन उनके आग्रह के कारण से मैं थोड़ा विलंब से भी आया और विलंब से आने के बाद मुझे थोड़ा जल्दी भी जाना है क्योंकि यहाँ से सीधे अभी अहमदाबाद पहुँचना है, इसलिए थोड़ा विलंब से मैं पहुँचा। मैं आप सब लोगों का एक बार जितने भी माताएं बहनें यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, उपस्थित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड महापरिषद के सभी हमारे पदाधिकारियों को, सदस्यों को, जिन्होंने इतना शानदार आयोजन जो प्रत्येक वर्ष यहाँ उत्तराखंड महोत्सव पर करते हैं, मैं इस आयोजन करने के लिए आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वास्तव में बहुत ही शानदार आयोजन आप सब करते हैं और इतना स्वागत आप लोगों ने मेरा किया कि मैं अभिभूत हूँ। माताओं बहनों ने मैं देख रहा था वहाँ गेट के बाहर जैसे ही गाड़ी से उतरे, गाड़ी से लेकर यहाँ मंच तक पहुंचते हैं, ब्रजेश सिंह जी भी कह रहे होंगे कि उत्तराखंड के लोग लखनऊ में कितनी बड़ी तादाद में है, कितना इनके अंदर उत्साह है, कितना स्नेह है। हमारी दीदी कह रही थी कि आपको देखकर फूले नहीं समा रहे, तो मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर से जुटाकर मैं प्रणाम करता हूँ आप सबका। अपनी तरफ से मैं भी हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके बीच में आज इस शानदार महोत्सव में, उत्तराखंड महोत्सव में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के राम से लक्ष्मण नगरी और गोमती के तट पर बसा हुआ ये सुंदर शहर, जहाँ प्राचीन कालीन नैमिषारण्य जो मंदिर की पवित्र भूमि है, वहीं दूसरी ओर जिस विश्वविद्यालय में मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, उसी विश्वविद्यालय के बिल्कुल ठीक सामने हनुमान सेतु विराजमान है। हनुमान जी का वो प्राचीन मंदिर जो हमारी इस पूरी लखनऊ की भूमि को अपना आशीर्वाद देता है। मैं सच बताऊं तो लखनऊ में जब भी आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कम से कम 1 दिन रुकने के लिए आऊं, और 1 दिन तो क्या बल्कि 2 दिन भी अगर मैं रहूं तो 2 दिन भी कम पड़ते हैं क्योंकि इतने साथी लोग हैं, इतने मित्र लोग हैं, इतने सहपाठी हैं कि 1-2 दिन का समय पता ही नहीं लगता कब निकल गया। और आज क्योंकि जब ये कार्यक्रम मुझे मिला तो मैं बड़े अचरज में था कि मैं कैसे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करूँ क्योंकि मेरा पहले से ही इन्वेस्टर समिट जो हो रही है उसके संबंध में अहमदाबाद में कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, लेकिन फिर भी जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि आप सबका इतना उत्तराखंड महोत्सव का ये आयोजन हो रहा है और आयोजन का उद्घाटन है और उसमें आप लोगों ने मेरी ड्यूटी तय की है कि मुझे आपके बीच में आकर उद्घाटन में आना है, तो मैं सच बताऊं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उस कार्यक्रम को जो दिन का था उसमें कहा कि वो कार्यक्रम आज जो दिन में प्रारंभ होने वाला था उसको मैंने निवेदन किया कि रात को मैं वहां पहुंचूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये इतने इतने सुंदर क्षणों को मैं कैसे
इसको जो है इससे इधर उधर हो सकता था, इसलिए मैंने तय किया कि आप सबके बीच में आऊंगा और इस भूमि में आकर हमेशा से मुझे एक जो बचपन है उसकी स्मृतियां हमेशा ताजी होती है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10 वर्षों तक मैंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अनेकों जो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जो उसकी शिक्षा होती है, वो शिक्षा भी अगर मुझे किसी भूमि में प्राप्त हुई है तो लखनऊ की भूमि में प्राप्त हुई है। शिक्षा अर्जन के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी जो है बचपन के बाद जो एक सीखने की आयु होती है, आगे बढ़ने की आयु होती है, समाज में कैसे काम करना होता है, वो कहीं सीखने का अगर मुझे अवसर मिला तो आप सबके बीच में रहकर मिला है। और ये मैं कहूँ कि मेरी कर्म भूमि है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और ऐसा लगता नहीं है कि मैं लखनऊ में कहीं उत्तराखंड से बाहर जा रहा हूँ। मुझे लगता है हर बार कि मैं अपने ही शहर लखनऊ में आ रहा हूँ और यहाँ बार बार आऊँ, बार बार आप लोगों से मिलूँ, ऐसा मन के अंदर करता है। और सही में लखनऊ की चाट, लखनऊ की हमारी वाजपेयी की पूरी शर्मा जी की जो है वो क्या नाम चाय, और उसके क्या नाम हमारे क्वाइनर होटल के सामने का बंद मक्खन, यहाँ कौन भूल सकता है। बहुत लोग हैं जिनको पता नहीं होता, लेकिन मैं जब भी आता हूँ, आज भी मैंने सोचा था कि दिन में जो है थोड़ा समय मिलेगा तो जरूर जो है इन सब चीजों को जरूर है भगवा के जो है थोड़ा थोड़ा उनका कहीं ना कहीं स्वाद लिया जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने योगी जी ने आज जहाँ अपने साथ बैठकर जो है उन्होंने तेजस फिल्म को दिखाया, वही उन्होंने भोजन भी करवा दिया, इसलिए आज मैं इससे थोड़ा वंचित रह गया। जो मेरे को मेरे मित्रों ने ये सब चीजें भिजवाई थी उसको मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं वहां लेके जाऊंगा, शाम को जो है रात्रि का जो भोजन है वो आज रात्रि के भोजन के रूप में किसी को हम लोग लेंगे, और ये अपनापन मुझे निश्चित रूप से आप सबके बीच में आकर बहुत ही भाव विभोर करता है। आज के इस अवसर पर मैं उत्तराखंड महापरिषद के संस्थापक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ जी को, स्वर्गीय दया कृष्ण जोशी जी को, स्वर्गीय मेजर हयात सिंह जी और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी को, उनको भी नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने इस संस्था को आगे बढ़ाने में और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको संजोए रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उत्तराखंड महोत्सव भाइयों बहनों, अपनी संस्कृति को जानने और दुनिया तक इसको पहुंचाने का ये एक बेहतरीन माध्यम है जिसको आप सबके माध्यम से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। अभी हाल ही के दिनों में मैं जो उत्तराखंड के अंदर निवेश आए, उत्तराखंड के अंदर उद्योग धंधे स्थापित हों उसको लेकर मैं जहाँ इंग्लैंड, लंदन, बर्मिंगम, अबू धाबी और दुबई की यात्रा पर गया था, मैंने वहां भी देखा, वहां भी हमारे भारतीय समुदाय के लोग और विशेष रूप से उत्तराखंड के लोग आज भी अपनी जो उनकी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, वो नहीं भूले हैं। और ये लोग विदेशों में रहकर इस प्रकार से भारत की संस्कृति और अपनी परंपराओं को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, वो वास्तव में बहुत ही बधाई के पात्र हैं। उनके लिए जितनी शुभकामनाएं करी जाए उतनी कम है। इस प्रकार लंदन और दुबई में उत्तराखंड भाई बहनों ने जो एक वहां पर स्नेह प्रदान किया, मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं दुबई में आया हूँ, मैं लंदन में हूँ, मैं इंग्लैंड में हूँ, मैं अबू धाबी में हूँ। जितने लोग भी वहां मिले उन्होंने इतना प्रेम किया, और एक लगता है जैसे इंग्लैंड में जाकर तो मुझे लगा कि जैसे यूके बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, और उत्तराखंड को भी यूके बोलते हैं, तो मुझे लगा कि वो यूके में एक यूके हमारा वहां बसा हुआ है, दूसरा यूके वहां देखने को मिला। ऐसा अनुभव मुझे आज यहाँ आकर भी हो रहा है कि आप सब लोगों ने लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश की हमारी राजधानी है और सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश में भी आपने एक उत्तराखंड बसाया हुआ है। आप सब लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को बहुत ही सहेज कर रखा है, क्योंकि अपनी माटी और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से जो भी व्यक्ति थोड़ा भी अलग होता है, जैसा सुषमा जी कह रही थी, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ कि
मैं मानता हूं जिस प्रकार से आप यहां पर तमाम त्यौहार आप उत्तराखंड महोत्सव करते हैं, आप उत्तराखंड के पौती करते हैं, आप अनेकों कार्यक्रम अपने अनेक संस्थाओं के माध्यम से, महापरिषद के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लगातार करते हैं, ये कहीं ना कहीं आप सबको अपनी माटी से जोड़ने का काम करता है, अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम करता है और अपनी नई पीढ़ी को लगातार इनको इस विरासत को आगे बढ़ाने का भी आप सब लोग एक माध्यम बनाकर अपने बच्चों को भी उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ, जो लोग आज अपनी संस्कृति से कट जाते हैं, अपनी जड़ों से कट जाते हैं, वो त्रिशंकु की तरह हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं लटक जाते हैं, वो ना ऊपर के रहते हैं ना नीचे के रहते हैं, वो वैसे हो जाते हैं जैसे कोई हरा भरा पेड़ जिसकी जड़ें अगर कट जाए तो ज्यादा दिन तक उसकी टहनियां और पत्ते भी हरे नहीं रहते हैं, उस प्रकार की इनकी स्थिति हो जाती है। और लखनऊ में तो हमारे कई लाखों लाखों लोग जो उत्तराखंड में रहते हैं, मैं उन सब से एक अपील करना चाहता हूँ, मैंने विदेश की धरती पर जाकर भी अपील की और आप सबसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत परिश्रम से, अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी से एक अपना मुकाम हासिल किया है। आप अब धीरे धीरे क्या होगा, लोग रिवर्स माइग्रेशन भी कर रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन, कोरोना महामारी के बाद अपने अपने पैतृक स्थानों को भी लोग कुछ न कुछ अपने पैतृक स्थानों से जुड़े रहने के लिए कोई ना कोई उपक्रम कर रहे हैं। मैं आपसे भी अपील करूंगा कि साल में कम से कम एक बार या दो बार अपने गांव जरूर जाइए, अपने पूर्वजों की धरती को जरूर आए। मैं हमारी भावी पीढ़ी तो उत्तराखंड की परंपराओं से परिचित होगी आपके जाने से, साथ ही उत्तराखंड की जो संस्कृति है और जो लोक कलाएं हैं उनको भी निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड जो महोत्सव है उसके माध्यम से हमारी जो विलुप्त होती हुई लोक संस्कृति है उसको आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, उसको संरक्षण संवर्धन का अवसर मिल रहा है, उनके विस्तार का अवसर मिल रहा है और आने वाली पीढ़ी को हमारी लोक संस्कृति से परिचित कराने का कार्य भी आप सब इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ करते हैं। मैं आज आप सब लोगों के जो ऐसे आयोजन है, आयोजन निश्चित रूप से हमारे राज्य के जो कलाकार हैं उन कलाकारों को भी एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं कि वो अपने अभिनय के द्वारा अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता को हम सबके सामने प्रदर्शित करते हैं, उनकी कला को भी प्रोत्साहन करने का काम आप सबके माध्यम से मिलता है। भाई बहनों, आप सब जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का आज वैभव भी बढ़ रहा है, गौरव भी बढ़ रहा है और सामाजिक और सांस्कृतिक और मैं कहूँ कि धार्मिक रूप से पुनरुत्थान का अगर उत्सव काल अगर कभी आया है तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया है। जैसा कि अभी हमारे पंडित जी कह रहे थे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड की यात्रा की और वो उत्तराखंड की यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, इस बार की ऐसी यात्रा थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 18,000 फुट की ऊंचाई पर जौलीगांव जहाँ पर पार्वती कुंड स्थित है, जहाँ पर आदि कैलाश भगवान विराजमान है, उस स्थान की उन्होंने यात्रा करी है। उनकी जैसा सीमांत क्षेत्र हमारे गंगा जी यहाँ पर बैठे हैं, इनका घर वहां से थोड़ी दूर पड़ता है, वहाँ गुंजी जैसे स्थान पर जाकर हमारी माताओं बहनों से मिले, गुंजी क्षेत्र के, कुटी क्षेत्र के, गरगाम क्षेत्र के, अनेकों क्षेत्रों के, दारमा घाटी, व्यास घाटी, इन घाटियों के सभी लोगों से, सभी माताओं बहनों ने आकर माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना आशीर्वाद दिया कि हम सब लोग अभिभूत हो गए। माताएं बहने बुजुर्ग माताएं वहां पर आई और वो सब लोग भी, कि प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि पहली बार इतने सीमांत क्षेत्र में उत्तराखंड के इतने सीमांत वासी किस प्रकार से उनसे प्रेम करते हैं। निश्चित रूप से उनके आने के बाद उसके बाद वो जागेश्वर धाम गए, ऐसे स्थान जहाँ प्रधानमंत्री के रूप में पूरे भारत के अंदर आजादी के कालखंड में कोई प्रधानमंत्री नहीं गए, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। भाई बहनों, हमारी सरकार ने भी उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का विकल्प रही संकल्प लिया है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए हमारी सरकार अनेकों कार्य कर रही है, विकास के कार्यों की जो नई श्रृंखला है उसको स्थापित करने का काम कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मार्गदर्शन पाकर उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास के
एक नए युग की शुरुआत हो रही है। हमने अनेकों काम किए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे ऊपर विश्वास है, उनके दिखाए गए विश्वास के कारण हम निश्चित रूप से एक नया अध्याय उत्तराखंड की यात्रा का सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तराखंड की यात्रा के एक नए अध्याय को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं और मेरी सरकार पूरी तरह से पूरे मनोयोग के साथ काम कर रही है और एक एक क्षण, एक एक क्षण और एक एक पल हमने उत्तराखंड राज्य की सेवा में लगाया है, उत्तराखंड के उत्थान के लिए लगाया है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए लगाया है। ऐसे अनेकों मुद्दे जो बहुत कठिन थे, मैं उनमें विस्तार से इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं अगर बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सबको पता है कि मुझे करना ही है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो कठिन मुद्दे थे, उन कठिन मुद्दों को या तो हमने उन चुनौतियों को पार पाया है या उनको हमने आगे बढ़ाया है। जो पहले के समय में, मैं किसी की आलोचना भी नहीं करना चाहता, लेकिन पहले के समय में जिन पर काम नहीं हुआ उनको भी आगे बढ़ाने का काम हमने आप सबके आशीर्वाद से उसको किया है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है उत्तराखंड के अंदर हमने लैंड जहाज जो चलता था, जिसमें हमारे सारे जब सरकारी जमीनें और हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया, जंगल का एरिया, उस पर बहुत बड़ी मात्रा में अतिक्रमण था और उस अतिक्रमण को हटाते हुए हमने 3500 एकड़ जमीन को इस लैंड जहाज से मुक्त करवाया है। सरकारी जमीन मुक्त हुई है, इसके साथ साथ धर्मांतरण को लेकर हमने सख्त कानून बनाया है। पूरे देश के अंदर ऐसा कानून बनाया है कि अब हमने 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान किया है और इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता, जैसे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या के अंदर हो रहा है, वैसे ही देश के अंदर एक मुद्दा था कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोगों का भी, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी। हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि अगर हमारी नई सरकार का गठन होता है तो नई सरकार का गठन होते ही हम सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे, उस कानून को उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। भाई बहनों, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर मोहर लगाई है और हम बहुत जल्दी, जैसे ही हमको संकलन जो कमेटी है उसने कर लिया है, वो संकलन हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए हमने जो उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होता था, लगातार हर बार उनकी मेहनत, एक गरीब माता पिता जो अपने बेटे को बेटी को पढ़ाने के लिए, उसकी शिक्षा के लिए अपने घर का दूध बेचते हैं, कोई घी बेचते थे, कोई सब्जी बेचते थे, कोई छोटी दुकान चलाते थे, कोई उधार लेकर, कोई बीवी अपने जेवरों को रखते अपने बेटे और बेटी को पढ़ाई के लिए बेचते थे, उनका कभी भी सिलेक्शन नहीं होता था जो मेहनत से काम, मेहनत से पढ़ाई करते थे। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि नकल का वहां पर एक बड़ा खेल कई दशकों से चल रहा था, नकल माफिया हावी थे। भाइयों बहनों, इस नकल के खेल को हमने रोकने का काम किया और 100 से भी ज्यादा लोग इस नकल के अपराध में हमने उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और इतना ही नहीं, नकल का अध्यादेश हमने कराया और नकल का अध्यादेश लाने के बाद 4-5 परीक्षाएं हुई और 5 परीक्षाओं में 5,00,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया, परीक्षार्थियों ने भाग लिया। और मुझे खुशी आप सबको बताते हुए इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊपुरी में, कि अब जो परीक्षार्थी, जो बेटे बेटियां भाई बहन एक परीक्षा में पास हो रहे हैं, वो दूसरी परीक्षा में भी पास हो रहे हैं, वो तीसरी में भी पास हो रहे हैं, चौथी में भी हो रहे हैं और कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5-5 परीक्षाओं में एक साथ पास हो रहे हैं जिनका पहले नंबर आता था। भाइयों बहनों, उनके माता पिता मिले, उन्होंने कहा कि आपने ये नकल का जो आप अध्यादेश लेकर आए हैं, इस नकल के अध्यादेश के कारण हमारे बच्चों को चयन होने का अवसर मिला है। इसके साथ साथ आज अनेकों जो हमारे प्रतिभागी परीक्षार्थी हैं, उनके अंदर एक उत्साह का माहौल पैदा हुआ है, एक विश्वास का माहौल पैदा हुआ है कि अब अगर हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता प्राप्त होगी। मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सरकार उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंतिम छोर में रहने वाले हर उस व्यक्ति के हित में कार्य कर रही है जो आज विकास की धारा से कहीं ना कहीं कोसों दूर है।
विकास की धारा से अछूता है, उन सब को छूने का काम, उन सब तक विकास ले जाने का काम और समाज के अंतिम छोर में पहुंचने का काम उत्तराखंड की सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम लोग आप सब लोगों ने जो सेवा का अवसर दिया है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही हमने जो विकल्प नहीं संकल्प उत्तराखंड का लिया है, यही हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड का संपूर्ण विकास, उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना। मैं आज के इस अवसर पर आप सब लोगों से यह भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाए, जिधर भी जाए, आप अपनी लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार अवश्य करें। जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारे पौराणिक रूप से किए जाने वाले कार्य हैं, त्योहार हैं, उत्सव हैं, उन सभी को आगे बढ़ाने का भी काम करें। और देवभूमि की जो महानता है, देवभूमि की जो एक मैं कहूँ कि एक विशेषता है कि हर किसी स्थान पर कोई न कोई देवता विराजमान होता है, कोई न कोई देवों का स्थान होता है, कोई न कोई विशिष्ट स्थान होता है, कोई न कोई धार्मिक स्थान होता है, उसके बारे में भी अवश्य लोगों को बताएं। क्योंकि आप सभी लोग, जितने लोग भी उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, वो सारे के सारे आप पता है क्या है, आप सारे के सारे लोग उत्तराखंड के सही मायने में ब्रांड एम्बेसडर। जानते हैं ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर तो जानते हैं। तो आप सब लोग जो लखनऊ में रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो मुंबई में रहते हैं, जो विदेश की धरती पर रहते हैं, वो सारे के सारे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस पावन भूमि पक्ष को पूरा करने में निश्चित रूप से आप अपना सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का इस भव्य उत्तराखंड महोत्सव को आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। आज मुझे गणेश जोशी जी ने एक आवश्यकता और मुझे भी लगता है कि बहुत जरूरी है कि लखनऊ से देहरादून के लिए, लखनऊ से रामनगर के लिए, लखनऊ से कोटद्वार के लिए ये ट्रेनें चलनी चाहिए। मैं जल्दी रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो जल्दी इन ट्रेनों को चलाने के लिए जरूर हमारा सहयोग करें। फिर से एक बार आप सभी को इस भव्य आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कि ये आयोजन बहुत सफल होगा और जिस उद्देश्य के लिए आयोजन किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे संपूर्ण समाज में एक ऊर्जा और उत्साह का वातावरण पैदा करेगा। फिर से आप सभी को आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए। और इस अवसर पर मैं पुनः अपने मुख्य अतिथि महोदय